हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड दिस इज़ अपर्णा और आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ मैं और वो है कि विल ही कॉन्टैक्ट मी अभी मैं बिकॉज आई एम अ फीमेल तो मेरा हमेशा विल ही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो फॉर मेल हुआ आर वॉचिंग दिस उनको मैं कहना चाहूँगी कि ये बॉय uh, प्रोस्पेक्टिव ऐसा नहीं है ये जनरल प्रोस्पेक्टिव में ही है अगर आप के पार्टनर फीमेल्स हैं तो भी आपको लागू पड़ता है और अगर आपके पार्टनर्स मेल है तो भी ये लागू पड़ता है तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं तो ये कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं आप हो सकता है कि कई लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हुई हो पिछली बार जब हुई हो तो लड़ा, कुछ लड़ाई हो गई हो झगड़ा हो गया हो और उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ है या फिर ब्रेकअप हो गया है आपका तो कांटेक्ट uh, नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि वो आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे या नहीं आप लोग रिलेशनशिप में वापस आएंगे या नहीं बेसिकली वो ख़ुद बात करने आएंगे या नहीं आपसे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके ला, आपकी लाइफ उनके साथ कैसी है तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अदरवाइज़ मेरे वीडियो काफ़ी शॉर्ट ऑन पॉइंट होते हैं बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी मैं ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था तो शाउट आउट टू हर और ये स्पेशली उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है तो मैंने बनाया है दिस इज़ अगेन अ जनरल रीडिंग दिस इज़ अ अ कार्ड रीडिंग तो ये uh, आपको रेजोनेट कर सकता है या फिर नहीं तो आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हैं तीन पाइल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर uh, तो आप अपना क्वेश्चन एक बार दिमाग में अच्छे से पूछ लीजिए तीनों चीज तीनों पाइल्स को ठीक से देख लीजिए अगर आपको नंबर्स रेजोनेट ज़्यादा होते हैं न्यूमरोलॉजी में आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनको देखिए उनके नंबर्स देखिए फिर आपको उनसे किसी चीज़ किसी नंबर से कनेक्शन फील हो रही हो तो वो उस हिसाब से आप आ, कोई पाइल चूज़ कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू अगर आपका वीडियो देखते वक्त आपको लगा कि ये पाइल मेरे लिए नहीं है ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो गो बैक स्टार्ट फ्रॉम अगेन अलग पाइल चूज़ कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए अपने रीडिंग के साथ सो so, ये कंपल्शन नहीं है कि जो पाइल आप पहले चूज़ करेंगे यू हैव टू स्टिक विथ इट ऐसा नहीं है आप अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो पाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं so, सो मैं एक बार पाइल एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कौन सी है ये फर्स्ट पिरामिड है फर्स्ट पाइल और यह है सेवन चक्रा पिरामिड तो अगर आप उसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं अगेन मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि ये सारे क्रिस्टल्स जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये पाइल्स पे यहाँ पे जो फैलाए हुए हैं जो ब्रेसलेट्स मैंने पहने हुए हैं वो सारे मेरे क्रिस्टल के वेबसाइट पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहाँ से जाके एक बार मेरी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कीजिए सो so, ये है फ़र्स्ट पाइल जो कि है सेवन चक्रा पिरामिड सेकेंड पाइल है रेकी पिरामिड जिस पर रेकी के सिंबल्स बने हुए हैं अगर आपको सिंबल्स से कनेक्शन है रेकी से कनेक्शन है एक तरह का तो आप ये सेकेंड पाइल चूज़ कर सकते हैं थर्ड पाइल क्लियर कॉट्स का है सिंपल क्लियर कॉट्स पिरामिड तो आप मिनिमल है सिंपल है तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं जिससे भी आपको कनेक्शन फ़ील हो रहा हो दो मिनट आंखें बंद करके सोचिए आपको किससे कनेक्शन फ़ील हो रहा है और फिर वो पाइल चूज़ कीजिए बिकॉज आज ये लव के बारे में है तो मैं लव रोज कॉट्स के एनर्जी चैनल कर रही हूँ आज तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ मैं पर उतना जितना डिटेल में जाऊंगी उतना आपके लिए ही आ, बेटर होगा अगेन जनरल रीडिंग है सो so, यहाँ पे मैंने मेरी लेमन टी भी रखी हुई है जिसका मैं सिप लेते रहूँगी सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो काफ़ी टाइम्स शफलिंग में ज़ाया हो जाता है इसलिए मैंने ऑफ स्क्रीन शफल कर लिए हैं कार्ड्स को तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ जो है सेवन चक्र पिरामिड देखते हैं कि सेवन चक्रास के जिन्होंने पिरामिड को चूज किया है उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं लेट्स स्टार्ट विथ राइडर वेट हाई प्रीस्टेस एस ऑफ वॉन्स नाइन ऑफ कप्स आई डोंट थिंक कि ये सब बैठेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट है मिस्टेक मंडे लवर्स कार्ड आया है वाव साथ में आया नाइन ऑफ वॉन्स और मून ठीक है और प्लेइंग कार्ड्स जो है वो भी इस्तेमाल कर रही हूं मैं इसमें सेवन ऑफ पेंटिकल्स सिक्स ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ स्पेट्स ओके काफी इंटरेस्टिंग स्प्रेड है आपका सो so, देखा जाए तो सबसे पहले जिस चीज की बात करना चाहूंगी वो है कि आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं काफी चीज़ों से गुज़र चुके हैं ठीक है दे हैव बिन थ्रू अ लॉट हो सकता है उनकी पास्ट की रिलेशनशिप्स जो हैं या फिर उनका चाइल्डहुड हो सकता है उनका कोई कनेक्शन पहले वाला जो है वो हो सकता है थोड़ा सा ठीक uh, नहीं गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उस रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज हो गए थे उस रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि उसकी वजह से ही इज़ वेरी मिस्टीरियस वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि वो छुपाते रहेंगे आपसे पर हो सकता है कि वो आ, खुल के नहीं सामने आ रहे हैं मतलब इमोशंस जो है वो वो दबाए रख रहे हैं अंदर मून कार्ड भी आया है और साथ में हाई प्रेस्टेस आया है तो इमोशंस जो है उनके वो उन जितना उन वो आपसे प्यार करते हैं वो खुल के दिखा नहीं पाते हैं कई कई ऐसे लोग होते हैं गए जो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं फील तो करते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते यानी कि वो महसूस करते हैं पर वो दिखा नहीं पाते जता नहीं पाते तो ऐसे लोग ऐसे लोगों में से एक है आपके पार्टनर जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके फीलिंग्स पर फीलिंग्स ज़रूर है ये दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स तो हैं प्यार वाले फीलिंग्स तो है लवर्स कार्ड का कार्ड आया है जो स्पेशली जो है पूरे डेक में ये प्यार के लिए ही बना हुआ होता है तो बहुत अच्छा कार्ड है और लवर्स कार्ड आया है तो है डेफिनेटली प्यार बिल्कुल है हंड्रेड परसेंट है तो उनकी आप आपको कांटेक्ट करने के लिए तो वो आएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है साथ ही में नाइन ऑफ कप्स आया है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके बारे में प्रोटेक्टिव uh, हो सकते हैं या फिर एक स्टेप आगे जाके पजेसिव हो सकते हैं काफ़ी चीज़ों से वो गुजर चुके हैं जिससे जिसकी वजह से उनको एक इनसिक्योरिटी है और uh, हो सकता है कि उसी वजह से वो एक कारण हो आप के मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर लास्ट जो झगड़ा के आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे से उनमें से एक जो है रीज़न ये भी हो सकता है कि इनसिक्योरिटी है तो उनको सिक्योर फील कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रस्ट जो है वो एक नए लेवल पर ले जाना आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़रूरी दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ट्स आया है नया बिगनिंग भी ज़रूर दिखाई दे रहा है आ, एक नया स्टार्ट Uh, दिखाई दे रहा है एक डिफरेंट यू नो एनर्जी दिखाई दे रही है एक नए नया एडवेंचर दिखाई दे रहा है तो एक फिर से फ्रेश रीस्टार्ट तो मिलेगा रिलेशनशिप को ये दिखाई दे रहा है uh, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है उनके इमोशंस पर जस्ट बी श्योर जस्ट मेक श्योर कि वो आपको बता रहे हैं जो वो फ़ील कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर रहने वाला रहने वाले हैं आपके पार्टनर उनका नेचर वैसा है तो आपका एक उनकी तरफ एक यू you नो know, एक काम है आपका जो आपको करना है उनके प्रति और वो है कि उनको ओपन करना है उनको खुल के सामने आने के लिए बोलना है आपको थोड़ा कंफर्ट एक दूसरे के साथ ज़्यादा बढ़ाइए उनके उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करिए उनसे मैं नहीं कह रही हूँ कि स्पाई लगा दीजिए या फिर डिटेक्टिव लगा दीजिए उनके पीछे उनसे ही बात कीजिए उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए उनके पास्ट के बारे में उनके चाइल्डहुड के बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो जिनकी वजह जिसकी वजह से वो थोड़े से ऐसे शेल में चले गए हैं तो ये ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए अगेन पास्ट में हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी टॉक्सिक रहे हो या फिर आ, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो डील कर रहे हो अंदर ही अंदर और आ, आ, थोड़े से आ, अपसेट है अभी तक पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड जो है उनको वो भुला नहीं पा रहे ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई एक बड़ा क्राइसिस आ गया हो इन द पास्ट या फिर फैमिली में से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हो तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं मैं क्योंकि ये प्रॉपर एक्स या के लिए कार्ड नहीं आया है ये अदरवाइज भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको जानने की कोशिश कीजिए उस उनमें उसको उसमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए इमोशनली आप और वो दोनों भी अब भी फिलहाल के लिए थोड़े से इम्बेलेंस्ड नज़र आ रहे हैं इमोशंस पे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं लग रहा है थोड़ा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है इमोशनली थोड़े वीक पड़ रहे हैं आप तो आ, आप दोनों भी तो इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप को फुलफ़िल कीजिए फिर आप गिविंग अपना नेचर बनाइए पहले दोनों भी कंप्लीट होना ज़रूरी है तभी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे तो ये भी चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए नाइन ऑफ सॉरी नाइन ऑफ स्वर्ड्स आया है आपको तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएटेड हैं आपकी लव लाइफ़ में वो आपके दिमाग से पहले शुरू हुई हैं इनको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए कि कुछ हो गया है इतने इतना सा और उसको सोच सोच के उसकी चीज़ों मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान दे दे के आपने इतनी सी चीज़ को इतना बना रखा है तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोच को अपनी कंट्रोल कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शक मत कीजिए ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस को अपने माइंड को थोड़ा सा काबू में लाइए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो आ रहा है सेवन ऑफ पेंटेकल्स जो है वो मोस्टली थोड़ा सा पेशेंस के लिए रहता है तो आपने जो है इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है ऐसा दिखाई दे रहा है आपने इसको वर्कआउट करने की आपने आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है काफ़ी लड़े हैं आप ये रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए तो वो जो सारी मेहनत जो आपने कर रखी है इस रिलेशनशिप के लिए जितना आपने इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस किए हैं जितने एक अच्छा यू नो you know, मेहनत करके एक बनाया हुआ जो रिलेशनशिप है वो अभी फल देने वाला है ठीक है जितनी मेहनत आपने की है वो उसका अभी फल मिलने मिलने वाला है आपको तो हो सकता है कि आ, इस लड़ाई के बाद जो आपका रियूनियन हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और एक अन एक अलग लेवल का कनेक्शन आपका बनेगा क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्स भी आपको दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ आपको क्लोवर आया है तो उसका भी यही मीनिंग होता है कि आप एक दूसरे के साथ जो है एक अलग लेवल का कनेक्शन बनाने वाले हैं मे बी ये रिलेशन वो रिलेशन है जो शादी में यू नो एंड अप इट एंड्स अप इन मैरिज तो शादी भी हो सकती है आपके इस पार्टनर के साथ आपकी सिर्फ एक बात पे फोकस कीजिए ध्यान रखिए कि इमोशनल आपको अपना uh, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है उनके इमोशंस भी उतने ही आपको रिस्पेक्ट करने हैं उनकी इमोशंस को अच्छी तरह से और डीप में जानने की आपको कोशिश करनी है साथ ही अपने दिमाग को जो है कंट्रोल में रखिए शक मत कीजिए इतनी सी चीज़ को इतनी बड़ी बनाने की कोशिश मत कीजिए थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में लाइए सारी चीज़ें जो है निगेटिवली ही मत देखिए कई सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना कॉइन के दो फेसेस फेसे होते हैं तो उनकी तरफ से भी देखने की कोशिश कीजिए तो यही मैं कहूँगी अगेन द बॉटम लाइन इज़ कि अब क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो हाँ आप दोनों में कॉन्टैक्ट आगे बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है फॉर श्योर sure. वो क्योंकि एक शेल में है इन इंसान वो इमोशंस पे उनका आ, उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है इमोशंस क्योंकि वो एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते हैं तो मैं श्योर sure शॉट ये नहीं कहूँगी कि वही होंगे जो आपको सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे कोई कॉमन फ्रेंड से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है या फिर थोड़े दिनों बाद आपको ही शायद लगे कि मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए इस इंसान को हो भी सकता है कि वो सामने से आके कॉन्टैक्ट करे आपको तो कॉन्टैक्ट होगा ये दिखाई दे रहा है बट अभी के सर्कम्स्टेंसेस को देख देखें तो अभी के लिए थोड़ा सा टाइम आप पेशेंस आप थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है और लवर्स तो आप हैं कांटेक्ट तो बनेगा डेफिनेटली पर थोड़ा पेशेंस रखिए आपको ही समझ में आएगा थोड़े दिनों बाद कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए या फिर कोई दूसरा कांटेक्ट करेगा या फिर वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे ठीक है तो इफ़ यू आस्क अगेन द बॉटम लाइन इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन विल ही कांटेक्ट यू कांटेक्ट बनेगा डेफिनेटली पर आपको थोड़ा और वेट करना है जानने के लिए कि किस तरह से होगा कॉन्टैक्ट क्या होगा कॉन्टैक्ट ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगर आपको रेजोनेट हुआ हो ये रीडिंग जिन्होंने पाइल ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया था सेवन चक्रास का तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को कमेंट करके बताइए आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और आपको रेजोनेट हुआ या नहीं और आपके आपने जो पाइल चूज़ किया है वो पाइल का नंबर आपको आपके पार्टनर को भेज के ये वीडियो भी भेज के देखिए शायद से उनको उनको रेजोनेट हो जाए और आपकी बात हो जाए इस बहाने थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंजॉय फाइल नंबर टू पिरामिड नंबर टू रेकी रेकी का पिरामिड जिन्होंने चूज़ किया है उनके रीडिंग पे आए हैं हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं या फिर किस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा या नहीं ओके तो शफल करने के लिए बहुत सारा टाइम वीडियो में वेस्ट हो जाता है इसलिए मैंने ऑफ स्क्रीन शफल करके काज निकाल लिए हैं तो देखते हैं राइडर वेट से आपको कौन से कार्ड आए हैं उ फाइव ऑफ सोड्स ओके एम्प्रेस अच्छी बात है और टू ऑफ कप्स नाइस मिस्टिक मंडे से भी देख लेते हैं आपके लिए आया है हर ओके फूल थ्री ऑफ कप्स इंटरेस्टिंग प्लेइंग कार्ड्स का भी यूज कर रही हूं मैं दिस इज समिंग न्यू सिक्स ऑफ हाथ्स सिक्स ऑफ कप्स जोकर यानि कि फूल आया है आपके लिए एंड एट ऑफ क्लोअर ओके आपका रीडिंग विल ही कॉन्टैक्ट यू और विल शी कॉन्टैक्ट यू सो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से काफ़ी स्टबननेस है ठीक है ना आप झुकने वालों में से हैं ना वो झुकने वालों में से ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि फाइव ऑफ सोज आ रहा है तो वेरी स्टबन पीपल यू आर काफ़ी ज़्यादा आप में ईगो ये सारी चीज़ें हैं आप में भी और आप में आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि आप में हो उनमें नहीं हो हो सकता है उनमें है आप में नहीं है ठीक है ये जनरल रीडिंग है अगेन मैं कार्ड uh, के मीनिंग से इंटरप्रिटेट कर रही हूँ सो so, हो सक आपको आ, uh, मतलब पर्सनल रीडिंग में समझ में आएगा कि आप हो आप में ज़्यादा ईगो है या उनमें ज़्यादा ईगो ये पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा क्लियरली आता आ जाता है जनरल रीडिंग में मैं जनरली ही बताऊँगी जो सारे सारों को आपको जो मीनिंग मतलब उनमें से उठाना है आप उठा सकते हैं तो ईगो जो है सबसे पहले दिखाई दे रहा है स्टब्बरनेस दिखाई दे रहा है तो बात होगी या नहीं तो ये ईगो बीच में आ रहा है ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है तो ईगो के लिए वर्कआउट रिलेशनशिप जो है ईगो जब भी आ जाता है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है ठीक है एम्प्रेस भी आया है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आप पेम्पर्ड है देखिए प्यार आपके रिलेशनशिप में है ठीक है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप एक दूसरे से टू ऑफ कप्स आया है जो ये एक गिव एंड टेक का नेचर होता है आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में आपसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा है तो ये एक बैलेंस जो है जो है वो है आप दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार है बैलेंस है एक दूसरे आप लोग ना आप दोनों एक दूसरे को ना बैलेंस करते अच्छी तरह से तो वो भी है अगेन एम्प्रेस भी आया है तो काफ़ी प्यार भी है आ, एक कनेक्शन है एक अलग लेवल का एक यू नो you know, वो बोलते हैं ना कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं आप दोनों एक साथ जब होते हैं तो यू नो इट फील्स लाइक होम ऐसा लगता है कि आप घर पे हैं एक फ़िज़िकल घर की ज़रूरत नहीं है आप ऑलरेडी घर पे हैं आप कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ आप हैप्पी uh, हैं एक दूसरे के साथ तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप uh, जो है काफ़ी तगड़ा है काफ़ी मज़बूत है थ्री ऑफ कप्स आया है तो एक ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है देख एक थर्ड व्हील थर्ड व्हील की तरह है कोई जो इस रिलेशनशिप में जो है टांग अड़ा रहा है ठीक है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली मतलब हमेश मतलब मोस्टली जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ वो पहले मैं बता देती हूँ आपको कोई हो सकता है उनका एक्स लवर हो सकता है आपका एक्स लवर हो सकता है या फिर मोस्टली uh, सास ससुर जो है आपके टू बी वो भी हो सकता है यानी कि uh, उनके मम्मी डैडी या फिर आपके मम्मी डैडी या फिर उनके का कलीग कोई हो सकता है उनके बॉस हो सकता है आपके कलीग कोई आपके बॉस हो सकते हैं आपके फ्रेंड हो सकता है फ़ैमिली रिलेटिव एनी बड़ी ओके okay, कोई ऐसा है इंसान जो टांग अड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है कोई थर्ड व्हील है इस रिलेशनशिप में जो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है और आपको मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहा है आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है आपके दिमाग पे असर करने की कोशिश कर रहा है तो वो ध्यान में थोड़ा सा रखिए कि कोई है ऐसा और बिकॉज ये जनरल रीडिंग है और आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है तो कोई ऐसा फैक्टर है ठीक है जैसे कि उनका काम हो गया आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे या फिर वो उनके काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा थर्ड कोई फैक्टर है आपके रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों में बनाए रख रहा है तो ये कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई फैक्टर हो सकता है वो जनरल रीडिंग है तो मैं आपके लिए डेफिनेट नहीं बता पाऊंगी उसके लिए पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें क्लियर कट समझेगा कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, में मेरी कॉन्टैक्ट लिंक दे रखी है उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं so, सो ये कोई ऐसा है थर्ड आ, फैक्टर जो इस रीयूनियन के को थोड़ा सा डीले डीले कर रहा है ठीक है um, दो दो फूल्स आए हैं आपके लिए तो एक नया स्टार्ट एक री स्टार्ट रिलेशनशिप को मिलेगा तो अगर ये क्वेश्चन है कि विल ही कॉन्टैक्ट यू विल शी कॉन्टेक्ट यू येस वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जल्द ही करेंगे क्योंकि आप उनकी सिर्फ आ, मतलब एक पार्टनर नहीं हो आप उनके लिए एक ज़रूरत हो एक नीड हो एक वॉन्ट हो उनकी आप एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीट करते हैं ठीक है आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एक आपने उनको सिखाया है उन्होंने आपको सिखाया है तो एक कनेक्शन है एक बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल है जो आ, मतलब थोड़े थोड़े देखो झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं और ये थर्ड व्हील की वजह से भी शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम्स uh, को आपको फेस करना ही पड़ेगा बट uh, ये ये इंसान या फिर ये फैक्टर को थोड़ा आप कंट्रोल uh, में लाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए तो हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ में भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग कनेक्शन रहा हो तो आप सोलमेट्स हैं आप एक दूसरे के लिए मतलब है एक दूसरे का कनेक्शन तो वो इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है ये इतना स्ट्रांग है कनेक्शन कि पास्ट लाइफ से ये कंटिन्यू आया है आपकी लाइफ में तो वो भी एक फैक्टर है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली टाइट टुगेदर हो प्रॉपरली कनेक्टेड हो और एक फैक्टर जो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पहुंचा रहा हो सकता है या फिर उनको कांटेक्ट करने से रोक रहा हो सकता है कि ये टाइम है हरमिट कार्ड आया है कि आप दोनों एक ये टाइम में काफ़ी कुछ सीखेंगे ठीक है एक दूसरे से दूर रह के भी आप यू नो you know, थोड़ी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुद से ही सॉर्ट आउट करनी है उनके हेल्प के बिना या फिर उनको सॉर्ट आउट करनी है आपके हेल्प के बिना एनी थिंग कैन बी देर ठीक है तो वो चीज़ें भी आप आ, हो सकता है कि वो आपको यूनिवर्स वो चीज़ें सिखाना चाहता है इसलिए आपको थोड़ा सा दूर कर दिया है कि दोनों जाओ अपनी अपनी चीज़ें सीख के वापस आके फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू करो स्ट्रांग बनाओ तो ये भी एक हो सकता है कि थोड़े नॉलेज नॉलेज के लिए थोड़े विजडम के लिए थोड़े एक्सपीरियंस के लिए आप दोनों को थोड़ी देर के लिए आपके ट्रैक्स जो है वो थोड़े से अलग कर दिए गए हैं फूल अगेन आया है आपका रीयूनियन आपका एक न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट तो ज़रूर होगा एट ऑफ वॉन्ट्स भी आया है आपके स्प्रेड में जो है एक्शन एक ग्रोथ तो आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे काफ़ी ज़्यादा एक अलग इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक अलग तरह का कनेक्शन है आपका एक डीप कनेक्शन है आपके ट्रैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ है ठीक है आपकी लाइफ में जो आप सीखेंगे वो एक साथ सीखेंगे जो जो भी चीज़ें आपकी नई एडवेंचर होगी लाइफ में वो आप एक साथ करेंगे एक अलग लेवल का कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है सो बॉटम लाइन अगेन अगर आप पूछ रहे हैं कि विल ही कॉन्टैक्ट मी या फिर विल शी कॉन्टैक्ट मी तो यस yes, वो इंसान जो आपके पार्टनर है उन वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और जल्दी ही करेंगे आपको पेशेंस थोड़ा सा रखिए वो ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और काफ़ी अलग और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका तो आ, हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपका शादी में एंड हो ठीक है आपके मोस्टली दिखाई दे रहा है कि शादी भी इसी इंसान के साथ होगी और काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहेगा आपका लाइफ टाइम के लिए और एक साथ आप काफ़ी सारे एडवेंचर्स करेंगे एक साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे अगर आपको ये स्प्रेड से आपको कनेक्शन फ़ील हुआ हो रेजोनेट हुए हो आपको ये हाँ येस मेरे लिए ही है ये स्प्रेड ऐसा आपको फ़ील हुआ हो कनेक्शन फ़ील हुआ हो जिन्होंने रे, रेकी पिरामिड चूज़ किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पाइल रेजोनेट हुआ और आप सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं जैसे कि ये वीडियो जो था वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था तो मैं ज़रूर आपके सजेशन पर वीडियो बनाऊँगी तो आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एन एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय लास्ट पाइल पाइल नंबर थ्री पिरामिड नंबर थ्री क्लियर कॉट्स जिन्होंने क्लियर कॉट्स चूज किया है काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और मिनिमल काइंड ऑफ पर्सन यू आर तो सबसे पहले मैंने वीडियो बंद करके शफल करके लिए हैं काट्स क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैंने पहले ही शफल करके रखे हैं काट्स तो आपको राइडर वेट के डेक से देखते हैं कौन से काट्स आए हैं ओके एट ऑफ कप्स टॉवर ओके एंड क्वीन ऑफ सो ओके ठीक है मिस्टिक uh, मंडे से आपके लिए आया है एट ऑफ अरे बाप रे थ्री ऑफ बॉर्न्स एंड सेवन ऑफ कप्स ओके प्लेइंग कार्ड से आपके लिए आए हैं क्वीन ऑफ क्लोवर किंग ऑफ डायमंड्स फोर ऑफ स्पेड्स ओके स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले सेवन ऑफ कप्स के साथ काफ़ी फ्यूचर ज़्यादा आप सोच चुके हो आप इस इंसान के साथ काफ़ी मतलब प्लानिंग्स कर रखी है आपने काफ़ी ड्रीम्स है आपके इस इंसान के साथ फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी है इनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक अलग तरह से कनेक्ट हुए हो इंसान के साथ आपने उनको अपनी ज़िंदगी बना ली है ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका बोलता है ना कि दिन उनसे शुरू होता है और रात तक आप उनके बारे में ये सोचते रहते हैं तो ये आ, वो इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में है आप काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं उनके साथ फ्यूचर के लिए सोचते हैं स्पिरिचुअली देखा जाए तो इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं आप उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आप उनके लिए आ, मैं वर्क वाइज नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली आप उन पर डिपेंडेंट हैं या फिर इस तरह से मैं कह रही हूँ आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है कि वो आपका कुछ ऐसा लाइफ हो गया होगा अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग ये सबको रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है सो so, ऐसा हो सकता है कि आप मतलब पूरी पूरा दिन आपका ख़राब गया हो और उनका बस एक मैसेज आ जाए तो आपका दिन एकदम से फ्लिप हो के अच्छा हो जाए सो so, उनको आपने अपनी ज़िंदगी बना ली है उनको आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है अपनी लाइफ में अगेन मैं कहना चाहूँगी कि उनकी तरफ से इतना कनेक्शन आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है जनरल uh, रीडिंग है अगर आपको ये कनेक्शन फील नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा पाइल पिकअप कीजिए ठीक है मैं जस्ट आपको क्लियर कट बताना चाहती हूँ वेरी ब्लंटली वेरी ऑनेस्टली तो uh, वो आपके लास्ट फाइट के बाद आपका जब से कनेक्शन एक मतलब कांटेक्ट एक दूसरे से जब से टूटा है दिखाई दे रहा है कि ही इज क्वाइट मूवड ऑन ठीक है वो काफ़ी आपको मतलब इतना मिस नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ आपकी वजह से रुकी हुई नहीं है आपकी ऑन दी अदर ऑन दी अदर हैंड रुक गई है क्योंकि देखिए आपने उनको अपनी लाइफ बना लिया था आपने उनको काफ़ी ज़्यादा अहमियत एहम, दी दे, दे रखी थी आपने अपना दिन उनसे शुरू रात तक उनके बारे में सोच रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपने उनको क्या कहता है ना कि आपने सिर पे बिठा रखा था उनको और वो उतने भी मतलब लायक नहीं है उस चीज़ के ठीक है कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ट्रैप ट्रैप्ड फील हो रहा होगा ऐसे लग रहा होगा कि दिन ही नहीं बीतते अभी रातें नहीं कट रही हैं पोएटिक हो गया सॉरी बट आ, ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि अटक गई है अटक गए हैं कहीं पर और जो है ज़्यादा कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है उनके बिना मतलब मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में या फिर कंप्लीट ऐसा फुलफ़िल्ड नहीं लग रहा है कहीं पर लग रहा है कि कुछ रह जा रहा है लाइफ में ऐसा उनके लिए है नहीं ये आपके लिए है ये आपकी फीलिंग्स है तो एक बात ध्यान रखिए कि आप इस रिलेशनशिप में उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे आपने काफ़ी कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं इस रिलेशनशिप को उतने उन्होंने नहीं किए हैं उतने ज़्यादा उन्होंने आ, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में नहीं है उनका जितना आपका था ठीक है वो कहते होंगे कि आपसे प्यार करते हैं आपके बिना जी नहीं पाएंगे एंड ऑल दैट थिंग्स बट इतना उनको जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में आपका टाइम आपका इमोशन्स uh, आपका फाइनेंसिस भी हो सकता है तो आपने जितना इन्वेस्ट इस रिलेशनशिप में किया है उतना उनका इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है उतना इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई नहीं दे रहा है और आपसे अभी वो बात नहीं कर रहे थे बात नहीं कर रहे हैं इतना टाइम तो उनको जैसे आपको एक बड़ा वॉयड फील हो रहा है लाइफ में कि जिंदगी कहीं अटक गई है उतनी उनकी नहीं अटकी हुई है वो अच्छी तरह से खा पी रहे हैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं एन्जॉय कर रहे हैं और आप जो है अटके हुए हैं उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं उनकी अपने कॉमन दोस्तों से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जितना आप इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में जितना आप ध्यान दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में उतना वो नहीं दिखाई उतना नहीं दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप्स भी आया है वो दूर जा रहे हैं इस रिलेशनशिप से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का तो ये सबसे पहले पॉइंट दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोज भी आया है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करती हूँ टॉवर भी आया है आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली हुआ ये चीज़ जो आपके साथ हुआ है ठीक है आपको इतना आ, मतलब नहीं लगा था कि इतना बड़ा ये झगड़ा हो जाएगा कि इतने दिन बात नहीं हो रही है या फिर उनको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको इतना ये ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाएंगे इतना आ, मतलब ऐसा कुछ वो करेंगे आपके साथ जो झगड़ा हो जाए ऐसा आपको नहीं लगा था फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम बट ये अचानक से ये सब कुछ चीज़ें हो गई हैं पर ध्यान रखिए कि ये चीज़ें जो हुई हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हुई हैं टॉवर जब भी आता है तो रीडिंग में ये माना जाता है कि जो फाउंडेशंस वीक थे जो रिलेशनशिप्स जो एक फाउंडेशन रहता है रिलेशनशिप का जो वीक था इसीलिए वो प्रॉपर ये जो विंड आया है ये जो स्टॉम uh, आया है ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम आ गया है उसे वो झेल नहीं पाया ठीक है क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था ये यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं था इतना तगड़ा नहीं था और उसमें आपके ये रिलेशनशिप में क्या हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके आपकी तरफ से एटी परसेंट का मेहनत है और उनकी तरफ से उनकी तरफ से जो है ट्वेंटी परसेंट का मेहनत है तो ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है ठीक है सो so, ये जो रेशो है एटी ट्वेंटी का ये वर्क नहीं करता है इसीलिए ये फाउंडेशन जो है वीक था और ये ये इस तरह का जो सिचुएशन आ गया आप पे झगड़ा जो हो गया वो ये रिलेशन सह नहीं पाया तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहा है साथ में दो क्वींस आए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा फोकस बात करना चाहूँगी दो क्वीन्स आए हैं आपके लिए किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है Uh, जो अभी बिकॉज देर आर टू क्वीन्स अगेन तो मैं डीप uh, में नहीं बात कर पाऊंगी बट सम्बडी हुज लॉजिकल प्रैक्टिकल ऐसी कोई हो सकता है लेडी है या फिर कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल मेल ठीक है ये भी हो सकता है अगर फीमेल नहीं है तो इन किसी किसी ऐसे इंसान की इन्वॉलमेंट मोस्टली फीमेल दिखाई दे रहा है क्योंकि टू क्वीन्स आई हैं अदरवाइज एक किंग आ जाता बट दो क्वींस आई हैं ऐसा कोई इंसान है कोई औरत है जो कंट्रोल uh, कर रही है हो सकता है कि उनको कोई और मिल गया हो रिलेशनशिप उनकी अगेन ये जनरल रीडिंग है हर एक को लागू नहीं पड़ता है जिनको जिनके लिए लागू पड़ रहा है ले लीजिए बाकी बाकी से बाकी सारे पॉइंट्स देखिए ये पॉइंट इग्नोर कर दीजिए सो so, uh, हो सकता है कि कोई है और उनकी ज़िंदगी में और uh, हो सकता है कि वो पहले ही डबल डेट कर रहे थे और आपको अभी वो समझ आया हो या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं तो उस उस लाइन में जो चीज़ें आ रही है वो मैं बता रही हूँ आपको हो सकता है कि पहले uh, उनकी शायद अभी तक उनके एक्स के साथ कोई बात होती हो या फिर हो सकता है कि आप के इस झगड़े के बाद उन्होंने दूसरा रिलेशनशिप ऑलरेडी शुरू कर दिया हो और आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वो लोग वो आपको मतलब मैसेज करेंगे तो ये भी सिचुएशन एक हो सकता है तो आपको जो भी अरेंज मतलब सही लग रहा है इसमें से आप ले सकते हैं तो ये दो क्वीन्स आई हैं उनके बारे में बताती हूँ मैं बता रही हूँ मैं किंग ऑफ पेंटैकल आया है हो सकता है कि आपके फादर जो हैं या फिर आपके घर में जो मेल अथॉरिटी है उनको ये रिलेशन पहले ही पसंद नहीं था उनको ये uh, जो आपका मतलब कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो उनको पहले से ही पसंद नहीं था तो ये भी आपको एक सोचना चाहिए कि उनको क्यों पसंद नहीं था ये नहीं बोल रही है कि उन्होंने तुड़वाया है रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है सब बिल्कुल भी नहीं है पर उनको पहले से ही पसंद नहीं था और इसीलिए शायद से फोर ऑफ़ स्पेज भी आया है आपके लिए कि अभी रेस्ट कीजिए अभी शांत रहिए मैं एक सजेशन जो है थ्री ऑफ वॉन्ट्स भी आपके लिए आया है तो एक सजेशन जो है वो देना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप के लिए जब आप दूसरे पे कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट रहते हैं या फिर आपका ये जो एटी ट्वेंटी का रेशो मैंने बताया कि एटी परसेंट आपने डाला है उन्होंने ट्वेंटी परसेंट डाला है तो ये कभी भी वर्कआउट नहीं करता ये हमेशा ध्यान रखिए आपको फिफ्टी परसेंट उनको फिफ्टी परसेंट यही रेशो होना चाहिए ठीक है तभी वो रिलेशनशिप जो है बैलेंस रहता है एक ट्रैक पे चलता है एक साथ आप कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट है कंप्लीटली उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं तो वो वैसे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ़ायदा भी नहीं है तो बॉटम लाइन है कि आप अगर पूछ रहे हैं कि विल ही कॉन्टैक्ट मी तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल कॉन्टैक्ट यू और um, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि आपको फ़ील हो जाए कि आप कांटेक्ट करें उनको ठीक है क्योंकि यू आर वेरी इमोशनल आप बहुत जिसे मैंने पहले ही बताया था जब मैंने ये आ, मतलब आपको पिरामिड जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने बताया था कि आप काफ़ी काफ़ी सिंपल हो काफ़ी मिनिमल हो तो मतलब काम हो काफ़ी तो हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पे फील हो कि मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए उस इंसान को तो थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए 80-20 ट्वेंटी के रेशो में रिलेशनशिप नहीं चलेगा सो जस्ट बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग जस्ट थिंक कि आप क्या कर रहे हैं और फिर डिसीजन लीजिए इस बारे में अगेन uh, मेरे पा मेरे पे आज इतना ही क्वेश्चन है कि विल ही कॉन्टैक्ट यू नो आई डोंट थिंक सो ही विल दैट ही विल कॉन्टैक्ट यू मुझे नहीं लगता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपको उनको कांटेक्ट करने की इच्छा हो तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि नहीं मत कीजिए रुकिए थोड़ी देर आ, सारी चीज़ें जो है ठीक से लाइन में आ जाएंगी क्योंकि फोर ऑफ स्पेड्स भी आया है आपके लिए रेस्ट एंड रेस्टोरेशन का पीरियड है शांत रह के चीज़ें ऑब्जर्व करने का पीरियड है देखिए उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है इस टाइम में जितना टाइम में आपको कांटेक्ट नहीं करने मिल रहा है उनको या फिर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे आपको उस पीरियड में एग्जामिन कीजिए उनको ऑब्ज़र्व कीजिए उनको कि कैसे वो चेंज हो रहे हैं क्या क्या चेंजेस उनमें आ रही है क्या क्या चेंजेस आप में आ रही है अपने आप को बिज़ी कर दीजिए कहीं पर अपने आप को थोड़ा स्परिचुअली uh, क्लिन कर लीजिए अपने आप को बैलेंस कर लीजिए और फिर वापस से इस रिलेशनशिप को एग्जामिन कीजिए कि इज़ इट इवन वर्थ ये है वर्थ इट या नहीं और फिर डिसीजन लीजिए सो so, आई होप कि आपको समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ एंड अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि मेरे अगली वीडियो क्या होनी चाहिए और अगेन मुझे सजेशंस तो की तो ज़रूरत है ही साथ ही आप, आप मुझे बताइए कि आपने अगर ये पाइल चूज़ किया हो तो अगर आपको डीप में रीडिंग चाहिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं उसका सारा जो मुझे कांटेक्ट करने के लिंक्स वगैरह है मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एन्जॉय